नमस्कार दोस्तों, यदि आप इंतजार कर रहे थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का और यदि आप वर्दी के शौकीन हो तो आपके लिए कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं नई भर्ती को लेकर, वो मैं आपको ऑफिशियल बताने वाला हूँ। ऑफिशियल साइट पर दोस्तों आ गया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका काम है दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अपडेट क्या निकल के आया है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी देर पहले की खबर है, आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों खबर क्या है। खबर ये निकल के आई है दोस्तों, आपको पता होगा राजस्थान में सीईटी लागू कर दिया गया था, मतलब कि पुलिस कांस्टेबल में लगने के लिए आपको पहले सीईटी पास करना पड़ेगा, सीईटी में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, मतलब कि 12th लेवल सीईटी से आपको गुजरना पड़ेगा, जिसकी एग्जाम डेट दोस्तों पहले थी 18, 19, 26 फरवरी 2023। लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ है, कहीं ना कहीं आपके लिए बुरी खबर निकल के आई है, अब आपकी जो एग्जाम डेट है वो बताई गई है 4-5 फरवरी। मतलब कि जो आप इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मैं तैयारी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, अब वो समय दोस्तों बहुत कम हो गया है। यदि आपको पुलिस कांस्टेबल में लगना है तो अब आपके पास मोटे मोटे अंदाजा हम लगाए तो 40 दिन का समय है। 40 दिन में यदि आप तैयारी बहुत बेहतरीन कर लेते हो तो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आ रही है अप्रैल 2023 में, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यही आपके लिए दोस्तों बहुत बुरी खबर है कि पहले आपको जो एग्जाम डेट दी गई थी 18, 19, 26 फरवरी दी गई थी, लेकिन अब आपकी जो परीक्षा लगने वाली है वो परीक्षा लगने वाली है कितनी तारीख को, 4-8 फरवरी को, मतलब कि 18-20 दिन पहले आपके एग्जाम को कर दी गई है। तो अब आपके पास जो समय बचा है वो समय बचा है 40 दिन का समय। यदि आगे आप भर्ती की तैयारी करना चाहते हो, पुलिस कांस्टेबल में लगना चाहते हो, तो 40 दिन में आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप पुलिस कांस्टेबल में लग सकते हो। अन्यथा दोस्तों आगे जो भर्ती आएगी ना वो भर्ती बहुत लेट आने वाली है, मतलब कि 2023 में नई भर्ती आएगी। यदि आप सीईटी में अच्छे नंबर नहीं लेके आए तो 2023 में आप नहीं देख सकते हो। आगे जो भर्ती आएगी वो 2025-26 में आएगी, उससे पहले भर्ती नहीं आएगी। तो आप पुलिस कांस्टेबल के शौकीन हो तो 40 दिन में आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम जो आपकी लगने वाली है 12th लेवल सीईटी की, वो 4-5-7 फरवरी 2023 को लगने वाली है। तो ये तो कहीं ना कहीं आपके लिए दोस्तों बुरी खबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब ये एग्जाम डेट है, हम सोच रहे थे अप्रैल मार्च तक जाने वाली है, लेकिन ये एग्जाम डेट को बहुत आगे कर दिया है, पहले क्या बताई गई थी और अब 20 दिन पहले ही एग्जाम ले रहे हैं। तो आपके लिए दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आई थी, वो मैंने आपके सामने रख दी है। यदि आप लगना चाहते हो पुलिस कांस्टेबल के शौकीन हो तो अब आपको बेहतरीन तैयारी करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब महीना चल रहा है दिसंबर का, जनवरी और फरवरी में तो आपकी एग्जाम है, तो मोटे मोटे अंदाजा लगाए तो 35 से 40 दिन का आपके पास समय है। तो 35 से 40 दिन में आप बेहतरीन तैयारी करोगे तभी आप पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हो सकते हो। क्यों? क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में आपको बैठने के लिए पहले सीईटी पास करना पड़ेगा, सीईटी में बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। तो आपको यदि पुलिस कांस्टेबल में नई भर्ती के अंदर बैठना है तो 40 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी आपको कैसे करनी है दोस्तों 40 दिन के अंदर, इसको लेकर मेरी वीडियो आने वाली है, उस वीडियो का इंतजार करो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि 40 दिन में आपको बेहतरीन स्कोर कैसे करना है, कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, वो वीडियो जल्दी आने वाली है। तो चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।